उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के सामने एक मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर कर दी। बताया गया कि वो महिला बांग्लादेशी है, जिसने धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंचते ही सनातन धर्म को अपनाने की बात कही और उसने बताया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन को सोशल मीडिया पर कई महीनों से सुन रही थी, जिसके बाद उसने सनातन धर्म को अपनाने का फैसला लिया, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि उनके यहाँ धर्म बदलने पर जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन जो घर वापसी करना चाहता है उसका वो स्वागत करेंगे। उधर अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि ईरान ने हिजाब आंदोलन के दौरान जिन दो पत्रकारों को गिरफ्तार किया था उनसे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले ईरान ने आरोप लगाया था कि उसके देश में हुए हिजाब प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ने इन पत्रकारों के जरिए ईरान की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया था, जिसके बाद ईरान की सरकार ने दो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर महसा अमीनी की मौत के बाद पिछले साल भड़के हिजाब आंदोलन के दौरान गलत खबरें फैलाने का आरोप लगा था। और ईरान का दावा था कि इन दोनों पत्रकारों ने ये सब अमेरिका और इजराइल के कहने पर किया था, जिन्हें ईरान अपना कट्टर दुश्मन मानता है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया कि ईरान की जेल में बंद इन पत्रकारों से उसका कोई लेना देना नहीं। उधर राजस्थान के भरतपुर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट पर शोभा यात्रा के दौरान हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें लोग शोर मचाते नजर आए। बताया गया कि दो गुटों में हुए विवाद के बाद पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। वहीं हंगामा बढ़ने के बाद शोभा यात्रा को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। दो गुटों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया, जिसने कई घंटों की मशक्कत के बाद मामला शांत करवाया। इधर ईरान ने 10 साल बाद अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव को बदल दिया, क्योंकि उसे शक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ब्रिटेन के एक जासूस के संपर्क में थे, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने उन्हें पद से हटा दिया और उनकी जगह अली अकबर अहमदिया को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सचिव बना दिया। ईरान की मीडिया ने जानकारी दी कि अली शमखानी को एक जासूसी कांड में आरोपी बनाया गया। उन पर ब्रिटेन के जिस जासूस के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगा उसे इसी साल जासूसी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। हालांकि अली शमखानी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और ईरान के लिए दी अपनी सेवाओं की दुहाई दी। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान अली शमखानी ने ईरान के कई देशों से रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर उन देशों से जिनके साथ उसका लंबे समय से तनाव चल रहा था। उधर मुंबई के समंदर में बना देश का सबसे बड़ा पुल तैयार हो चुका है। ये पुल दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पुल है और देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन इस साल के अंत तक हो जाएगा। 22 किलोमीटर लंबा पुल मुंबई के शिवडी से होकर नवी मुंबई के चिरले पर खत्म होगा। यहाँ से पुणे और गोवा उसके भी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। 18,000 करोड़ की लागत से बने इस पुल से लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पहले शिवटी से चिरले पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब महज 15 से 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं।